हेलो दोस्तों, आप लोगों को गुलाबी स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में प्रश्नावल एक का पहला क्वेश्चन को देखेंगे। भाग फल है और शेष फल ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर इसको बनाते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक को एक्स प्लस एक से भाग देकर भाग फल एवं शेष फल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिंपल से भाग देते हैं तो उसमें क्या क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही हो। जैसे कि 25 है ना, 25 को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो 25 जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। और 5 जो होता है वह भाजक कहलाता है। और जितने बार से भाग जाता है, ठीक है, जितने बार से भाग जाता है वह क्या कहलाता है? भाग फल कहलाता है। ठीक है, और जो शेष बचेगा, नीचे में जो लिखा जाता है शेष जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेष फल बोला जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी भाज्य भाजक और भाग फल और शेष फल होता है जिसको ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें जो बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक जो है वह भाज्य है। ठीक है, क्या है? भाज्य इक्वल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। ठीक है, को एक्स प्लस एक से भाग देकर भागफल एवं शेष फल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो एक्स प्लस एक जो है वह भाजक है, भाजक इक्वल एक्स प्लस एक है। अब भाज्य में भाजक को डिवाइड करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक में भाग देना है एक्स प्लस एक से। ठीक है, अब इसका भी सिंपल तरीका है बनाने का। आप लोग एक बात को हमेशा याद रखना, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद को भाग दिया जाता है। ठीक है, और जो भी बचेगा उसको भागफल में लिखा जाता है। ठीक है, मैं क्या बोला एक बार और ध्यान से सुनिए। भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद को भाग दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्य कर लेते हैं, देखो भाज्य का प्रथम पद एक्स स्क्वायर है और भाजक का प्रथम पद है एक्स, इसमें भाग दो तो एक्स एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या? केवल एक्स बचेगा, उसी को यहाँ पर भागफल में लिख देना है। ठीक है, अब उसके पश्चात इसी जो एक्स आया है उसका गुणा इसमें करो एक्स प्लस एक के साथ। यहाँ पर भी कर लेता हूँ, एक्स प्लस एक के साथ गुणा एक्स का, तो क्या आएगा? एक्स एक्स का गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है, और प्लस एक के साथ करेंगे तो एक्स आता है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये रफ कार्य है आप लोगों की समझने के लिए। अब यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई करो एक्स, और एक्स का गुणा करने पर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स का गुणा एक के साथ करने पर क्या आएगा? एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब उसके पश्चात क्या किया जाता है? घटाया जाता है, तो चिन्ह हमें यहाँ पर परिवर्तन होगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस दो एक्स, और प्लस एक को यहाँ पर उतार दो। ठीक है, अब पुनः देखिए, यहाँ पर पुनः प्रथम पद को ही लेकर चलना है। ठीक है, अब प्रथम पद क्या है? माइनस दो एक्स, तो इसी माइनस दो एक्स प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद को भाग देना है पुनः। ठीक है, और तो यहाँ पर भाग दिए तो एक्स एक्स कट गया, बचा क्या? माइनस दो। ठीक, अब इसी माइनस दो जो आया है उसको कहाँ पर लिखा जाता है? यहाँ पर भागफल में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी माइनस दो को यहाँ पर तो भागफल में लिख दिया, फिर उसके पश्चात क्या करते हैं? इसका गुणा भाजक के साथ करते हैं और यहाँ नीचे में लिखा जाता है। चलिए गुणा कर लेते हैं, माइनस दो का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो माइनस दो एक्स आएगा, और प्लस और माइनस का गुणा आप लोग जानते ही हो माइनस होता है, और दो एकम दो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद घटाओ, घटाने में चिन्ह में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस दो एक्स प्लस दो एक्स ये कैंसिल हो गया, प्लस एक प्लस दो कितना आएगा? प्लस तीन आएगा। तो यही हमें मिला, यहाँ पर हमें भागफल क्या मिला? भागफल इक्वल एक्स माइनस दो मिला, और शेष फल बराबर क्या मिला? तीन। यही आंसर है। ठीक है, ठीक इसी तरह से सीक्वेंस वाइज हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा आप लोगों के लिए।
ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी बेनिफिट मिले। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।